गाइस नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद शालिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शालिनी। तो कैसे हो गाइस आप सभी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, अपना न्यू टोरिंग का कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ और आपको न्यू बैंगल्स भी दिखाने वाली हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लिपस्टिक भी मैंने इंक्लूड किया है और लेटेस्ट बिंदी भी इंक्लूड किया है और मैंने क्या कुछ लिया है वो सभी मैं अपने आज के वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करिए। आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, मेरी वीडियोज़ की जो व्यूज़ है ना बिल्कुल 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 डाउन होते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, क्यों मेरे वीडियोज़ के जो व्यूज़ हैं वो डाउन होते जा रहे हैं। किसी ने मेरे को कुछ टाइम पहले बोला था व्यूज के लिए ना, तो ऐसी टोक लगी, उसके बाद व्यूज सीधा घटते ही गए जा रहे, घटते जा रहे, बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। तो कोई बात नहीं, फॉरगेट इट। तो चलिए अपना आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की लाइक की, प्यार की, सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो सबसे पहला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाला बैंगल्स दिखाने वाली हूँ। ये आई थिंक 600-700 के बीच में मिला था, मैंने अपने कल के वीडियोस में आपको बता दिया था। ये मैंने वहाँ ही के मार्केट से लिया था और इतने कलेक्शन थे ना भैया के पास, मन कर रहा था कि आधी दुकान ही खरीद लो। सच में गाइस बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे भैया के पास, मतलब दिल जो है ना मान नहीं रहा था, मन कर रहा था सभी ले लो, लेकिन वही है ना कि बजट भी देखना होता है, सब कुछ देखना होता है। ये जो है ना भैया बता रहे थे क्रिस्टल के स्टोन लगे हैं, इसकी शाइनिंग खराब नहीं होगी लेकिन आपको क्या है इसको एयर से बचाना पड़ेगा, आपको इसको सेफ रखना पड़ेगा कॉटन वगैरह में। फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप अंदर देख सकते हैं, कहीं से फंसने के कोई चांसेस नहीं है। मेरे को बैंगल्स ऐसे ही अच्छे लगते हैं जो किसी भी साड़ी, दुपट्टे या सूट में फंसे ना, क्योंकि बैंगल्स की वजह से आप महंगे से महंगा बैंगल्स ले लो ना, अगर उसकी वजह से आपके साड़ी फंस जाती है ना तो साड़ी फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हमारी साड़ी का जो है ना सत्यानाश हो जाता है। तो ये वाले कड़े लिए थे, ये चार लिए हैं मैंने, इसको वेलवेट की चूड़ियों के साथ जो है मिक्स एंड मैच किया है और आने वाले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगी अलग अलग बैंगल्स के साथ इंक्लूड करके, क्योंकि मैंने जानबूझ के सिल्वर लिया है, क्योंकि सिल्वर और जो बीच में प्लेन चूड़ियों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो बड़ा निखर कर आता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद था ये वाला कड़ा। और आप लोग को दिख भी रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, आप देखिए। और हाथों में टाइट टाइट चूड़ियाँ होती है ना तो और अच्छी लगती है। अगर आप न्यूली मैरिड है ना तो इस तरीके की जो कड़े होते हैं ना अपने कलेक्शन में इंक्लूड करके रख सकते हैं। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैंने ऐसे ही 600 रुपए के चार लिए थे मीशो से और 299 के दो पेयर थे और मैंने लिए थे 600 समथिंग के लिए थे तो चारों कड़े, और वो भी ऐसे ही अच्छा था, उसमें मोती का काम था। आई थिंक मैंने दिखाया था जो बंगड़ी जिसको बोलते हैं ना उस टाइप का मैंने लिया था, लेकिन उसका जो सिल्वर है मैंने उसको सेफली नहीं रखा तो वो पूरा का पूरा ख़राब हो गया, ठीक है? और आप लोग बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखा रहे हो अपना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैंने यहाँ पे मल्टी कलर का चूड़िया पहनी हुई है, लेकिन मैं आपको जो कड़े दिखा रही हूँ आप उसकी क्वालिटी देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत टाइम से मुझे ये वाला कड़ा चाहिए था, फाइनली इतने दिन से मैं अपने मन मुताबिक चीज़ें जब ढूंढती हूँ ना मुझे नहीं मिलता तो बहुत गुस्सा आता है, तो फिलहाल मिल गया है। मैं इसको जो चूड़ा होता है ना उसके साथ भी मिक्स एंड मैच करके पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा हैवी सेट बनाना तो इसके आप दो पेयर लेके रख लो, लेकिन मेरे लिए चार इनफ था तो इसीलिए मैंने चार लिया है। तो आप चाहे तो इसके बीच में और भी इंक्लूड कर सकते हैं। अभी मैंने गोल्डन भी लिया है, आपको मैंने दिखाया था, मैंने गोल्डन की पतली पतली चूड़ियाँ लिया है। उससे क्या होगा ना कि आपको मिक्स एंड मैच करने में बहुत आसानी होगा। अगर आप न्यू ब्राइड है ना तो आप ना 8 चूड़ियाँ ले सकते हो, क्योंकि न्यू ब्राइड को तो चाहिए ही होता है कि आपको चेंज करना होता है, आपके पग फेरे होते हैं, आपको फिर मायके जाने होते हैं। तो अगर आपको इस सेट को ना हैवी बनाना है तो इस तरीके से आप 4 के बजाय 8 ले सकते हो। बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, ट्रस्ट में इतना खूबसूरत लग रहा है ये, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है ना वो वर्थ है। 600-700 के अकॉर्डिंग ना ये कड़ा मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे मैंने जो चूड़ा होता है ना, चूड़ा
काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसीलिए ना मैं इस तरीके की चीज़ें लेके रख लेती हूँ ताकि मैं किसी भी चूड़ियों के साथ मिक्स एंड मैच कर लूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक ही है तो बस उसी को मैं वेयर करती रहूँ, नहीं मेरी ऐसी थिंक नहीं है। मेरे को अलग अलग मिक्स एंड मैच करना, चूड़ियों का सेट बनाना घर पे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ये था, मैं अभी आपको दूसरा भी दिखाती हूँ, दूसरा इससे भी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये मेरे को सिंपल सोवर बहुत अच्छा लगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, शाइनिंग बहुत अच्छी है। अगर आप इसको मैं बैक कैमरे से दिखाऊँ तो आपको इसकी क्वालिटी और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो एक बार मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखा देती हूँ कि ये कैसा लगता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो देख सकते हैं आपको फ्रंट कैमरे में इतने अच्छे से समझ में नहीं आया था जितना अच्छा मैं आपको बैक कैमरे से दिखा पा रही हूँ। अब आपको इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देख रहे हैं आप इसकी जो क्रिस्टल की क्वालिटी है ना, आप वो देखिए, और जब ये लाइट पड़ती है ना तो इतना ज़्यादा इसमें जो है शाइनिंग कर रहा है ना, तो जब आप हाथों में वेयर करेंगे ना तब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। बाकी इसीलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी क्वालिटी समझ में आए। कमेंट में बिल्कुल आप लोग मेंशन करना। अब मैं आपको सेकंड दिखाती हूँ, इसे भी मैं आप लोगों को मिक्स एंड मैच करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को इसकी क्वालिटी समझ में आए, और बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को एक्चुअल क्या है ये कड़ा तो आपको पता चलेगा। इस टाइप के जो कड़े होते हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो है इसमें भी स्टोन का काम है और लाइट पड़ने पे उतनी ही शाइनिंग आएगी। इसमें भी फिनिशिंग बहुत अच्छी दे रखी है, कहीं से भी फंसने के चांसेस नहीं है। मैं जब बैंगल्स खरीदने जाती हूँ ना तो मैं यही चीज़ ज़्यादा चेक करती हूँ कि कहीं से फंसेगा नहीं। और ये जो मेटल होते हैं ना, इसमें थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं हल्का सा यहाँ पे निकला हुआ है, लेकिन मैं इसको जो नेल्स स्क्रबर आते हैं ना, नेल्स जिससे नेल्स सेपर जिसको बोलते हैं, उससे थोड़ा सा घिस दूंगी तो ये सही हो जाएगा। बाकी आप कड़े की क्वालिटी देख लो और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। पूरा जो है नग लगे हुए हैं, और कुंदन वाला भी मैं ढूंढ रही थी लेकिन कुंदन वाला उनके पास नहीं था। मेरी जो चॉइस थी मेरे को कुंदन में लेना था, क्योंकि कुंदन जो है ना रेड के साथ और चूड़े के साथ ना कुंदन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक बार मैं इसको भी आपको चूड़ियों के साथ, प्लेन चूड़ियों के साथ ही दिखा रही हूँ, मैं अदर चूड़ियों के साथ आपको नहीं दिखा रही हूँ अभी। रेड के साथ आपको ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने इसको और भी अच्छे से मिक्स एंड मैच किया ना तो ये बहुत सुंदर लगेगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से है ये कुछ, और थोड़ा सा उठा उठा वाला नहीं होता कड़ा, वो वाला कड़ा है, लेकिन इस बार मैंने ज़्यादा उठा वाला कड़ा नहीं लिया है, बिल्कुल सिंपल सा लिया है। तो इस तरीके का लुक आ रहा है, लेकिन वो उसमें शाइनिंग बहुत है, इसमें शाइनिंग आपको ओके मिलेगी। लेकिन मैंने इसका पैटर्न की वजह से ले लिया, क्योंकि मुझे इसका पैटर्न जो है ना बहुत अच्छा लग रहा था, इसी वजह से ले लिया। तो मेरे को रेड के साथ बीच में ब्लू ब्लैक के साथ बहुत सुंदर लगेगा। और मैंने अभी पूरा जो मिक्स एंड मैच सेट की चूड़ियों का एक वीडियो शेयर किया है अपने न्यू चैनल पर, तो उसका लिंक मैं डाल दूंगी अगर आपको देखना है कि कैसा लुक आता है, कैसा मैंने मिक्स एंड मैच करके बहुत अच्छे अच्छे सेट शेयर किए हैं, तो आप लोग जाके चेक कर लेना। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। सच मैं बता रही हूँ, न्यूली मैरिड के ऊपर ना तो बहुत सुंदर लगते हैं इस तरीके का कड़ा। तो मेरे पास हर तरह का कड़ा है, आप लोग चाहे तो इस तरीके का कड़ा अपने कलेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत काम आता है मिक्स एंड मैच करने में। मुझे ऐसा नहीं, मैं कभी भी अर्जेंट में भाग के नहीं जाती हूँ, कोई फंक्शन पड़ता है तो चलो मार्केट भाग के चले गए। हर तरह का मेरे पास बैंगल्स के कलेक्शन होते हैं, मुझे ईजी रहता है मिक्स एंड मैच करने में। तो अब मैं इसकी बैक कैमरे से आपको इसकी क्वालिटी एक बार दिखा देती हूँ। शाइनिंग इसमें भी है, लेकिन लाइट पड़ने पे आपको फ्रंट कैमरे से इसकी क्वालिटी समझ में नहीं आएगी जितना बैक कैमरे से समझ में आएगी। तो अब मैं इसे आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं। इसमें भी अगर लाइट पड़ेगी तो उतनी ही शाइनिंग है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने डिज़ाइन की वजह से अच्छा लग रहा है, और वो अपने क्रिस्टल स्टोन की वजह से अच्छा लग रहा है। शाइनिंग दोनों में ही उतनी ही है, आप देख सकते हैं, देखिए इसमें छोटे छोटे स्टोन लगे हैं इस तरीके से। फैमिली मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा। और एक मैंने ये प्रिटी सा जो है बिंदी लिया है, और एक मैंने ये वाली बिंदी लिया है, ये मेरे पास रेड कलर की ना बहुत सारी बिंदियाँ हैं,
तो ये देख सकते हैं, ये वाला पैटर्न लिया है। एक्चुअल में क्या है ना, मेरे को लॉन्ग पैटर्न बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इस वजह से मैं मेरे फेस पे अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट ये वाला मैंने लिया था, अभी 2-3 दिन पहले लिया था शायद, नहीं 2-3 दिन पहले नहीं, मैंने आपको इसका कलेक्शन दिखाया था, आई थिंक कब लिया था मेरे को ध्यान नहीं है। एक मैंने ये वाला पैटर्न लिया था, इस तरीके से बीच में गोल गोल है और बाकी ऐसे 3 स्टोन के लंबे वाले हैं, इसमें देख सकते हैं। और कलर इसमें ऑलमोस्ट सारे कलर है। एक मैंने ये रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन में लिया है, रेड मैंने लगाया है, येलो है, बड़ा प्यारा सा लग रहा था, 20 रुपीज़ का मिल रहा था, कि मतलब रेड और येलो छोटे छोटे ना देख के बड़ा क्यूट सा लग रहा था। मैंने कहा यार ये दो सबसे पहले, ये मेरे को बड़ा प्यारा लगा। इसमें का ऑलरेडी मैंने बहुत यूज़ किया है, अगर आप देखेंगे ना इसमें एक छोटा सा गोलू मोलू सा येलो कलर का ऐसे कुछ टुक्कू सा लगा रखा है, मेरे को नहीं पता क्या लगा रखा है, लेकिन हाँ है। तो ये वाली बिंदी अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। तो कलर कोड की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, आपके लोकल मार्केट में 100 रुपीज़ की मिल जाती है। कलर कोड मैंने डार्क लिया है, मेरे को डार्क चाहिए था, ये वाला शेड मैंने लिया है, न्यूड कलर, आई थिंक न्यूड कलर ही है। और ये उस दिन का मैंने ट्रायल कर रखा है, अभी तक मेरे हाथों पे से छूटा नहीं है, सोच सकते हो। और ये भी देखना कि जब तक मैं इसको रगड़ रगड़ के छुटाऊंगी नहीं ना, छूटेगा नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। और एक मैंने ये कलर लिया, ये कलर ना मैं बहुत अप्लाई करती हूँ, और ये वाला टमाटरी रेड भी लिया है मैंने, इनसाइड का, इनसाइड की लिपस्टिक है ये, और इनसाइड की लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये वाली जो लिपस्टिक है ना, एक बार को मैं कह सकती हूँ कि इसमें पापड़ी बन के छूटती है, लेकिन इन साइड की जो लिपस्टिक है ना, आप देख सकते हैं पूरे दिन स्टे रहता है, आप कुछ भी खाइए पीजिए कहीं पे भी ये लिपस्टिक हटने वाली नहीं है। तो देखिए दूसरा शेड ना कुछ इस तरीके का है, और ये जितने भी शेड मैं दिखा रही हूँ ना, मेरे टोन के ऊपर ना बहुत अच्छे से जाता है, और बहुत क्या है यार, बहुत सुंदर लगता है। एक बार ये सूख जाता है ना, आप इसको पानी से धो लीजिए, रगड़ लीजिए, जल्दी निकलता नहीं है, बहुत देख सकते हो नहीं निकलने वाला, बहुत अच्छा है ये। तो और एक ये वाले मंगलसूत्र मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखाया था, कि मैंने एक छोटा मंगलसूत्र लिया हुआ है डेली वेयर के पहनने के लिए, बनवाया था मैंने छोटा सा। और एक ये वाला पैटर्न है, आई थिंक पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, तो ये वाला पैटर्न आप देख सकते हैं, जो कि बहुत प्रिटी लग रहा है। अगर मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आपकी नई नई शादी हुई ना, आप घर में कुछ मंगलसूत्र वेयर करना चाहते हैं ना, वो हैवी अभी किसको वेयर किया जाता है, नहीं कोई नहीं वेयर कर पाता है, जितना लाइट वेट होता है ना उतनी चीज़ें बहुत सुंदर लगती है। अगर आप न्यू मैरिड है तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मेरे पास ना जो मंगलसूत्र के पैटर्न है ना, वो बहुत बहुत अच्छे पैटर्न होते हैं, मेरी जो चॉइस है ना वो अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। अपनी तारीफ तो हर कोई करता है, मैं भी कर रही हूँ। और एक तो मंगलसूत्र में मेरे को ये वाला पैटर्न बहुत सुंदर लगता है, ये पत्तियों की डिजाइन वाला, एक टूट गया, एक किधर गया भैया, ले हमको पता ही नहीं। ये वाला पैटर्न बहुत सुंदर लगता है मंगलसूत्र का, ये वाला देख रहे हो, ये वाला पैटर्न मेरे को बहुत सुंदर लगता है। तो ऑलमोस्ट सब दिखा दिया। और एक मैंने लिया है ये मार्स का काजल, जो कि बहुत अच्छा है, 50 रुपीज़ बोली थी मैंने, 30 रुपीज़ ही दिया, मैंने इतना सारा सामान लिया था। अच्छा वन स्टॉक में जो है ये लग रही है, इतना अच्छा काजल है कि ना ही ये फैलने वाला है, ना ही ये कुछ भी नहीं है। उन्होंने भैया ने बोला कि ये बहुत अच्छा काजल है मास्क का, आप एक बार अप्लाई करिए, क्योंकि मैं जो है ब्लू हेवन का काजल लगाते लगाते ना पक गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो यार ट्राई करते हैं बहुत। और इससे आप अपना आईब्रो भी सेट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, एक तरह से ये आईब्रो पेंसिल का भी काम करता है, क्योंकि ये काजल जो है ना फैलने वाला काजल नहीं है, अगर आपने आंखों में अप्लाई कर लिया तो ये उसी जगह पे स्टे रहेगा, और काफी लॉन्ग लास्टिंग काजल है, अच्छा लगता है। मुझे मुझे सच बताओ पसंद है, बाकी आप लोगों को ठीक है। नेक्स्ट जो है ये वाला, मतलब वहां से श्रग लिया था,
और ठेले पे से नहीं लिया था, कहीं बोलो ठेले पे से लिया था, ये वाला श्रग लिया था पर्पल कलर का, बहुत पतले में है ये, जैसे कि आप कहीं पे समर में घूमने जाते हो लाइक पहाड़ी जगह पे, तो आप हल्का सा इस तरीके से, गर्मियों में अगर आप कहीं घूमने जाते हो ना, बहुत हल्का श्रग है, आप देख सकते हैं पूरा ट्रांसपेरेंट है, लाइट वेट है। ऐसा नहीं है कि इस श्रग को आप सिर्फ ऐसे विंटर में पहन सकते हो, आप किसी भी सीजन में, मतलब गर्मियों में हल्की गर्मी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं पहन सकते हो। अगर आप वेकेशन वगैरह पे जा रहे हो कहीं, वहाँ पे कूल जगह है, ठंडी जगह है, तो आप जो है ना इस श्रग को क्रॉप टॉप के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ डाल सकते हो। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को जो है ना श्रग बहुत पसंद आते हैं, तो ये दिलाया था उन्होंने। और नेक्स्ट जो है ये वाली स्कर्ट दिलाई थी, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि कौन सी है। और ये ऊन का बना हुआ है, पूरा लॉन्ग है और यहाँ पे ऐसा कट सा दे रखा है, देखिए जलवा है, जलवा फैशन का है ये, जलवा है, जलवा फैशन का है ये, जलवा। दिखाऊंगी मैं जल्दी, दिखाऊंगी, पता नहीं कब दिखाऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे बताना कि आप लोग क्या देखना चाहते हो। तो आप लोगों के लिए ही मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को आप लोगों के साथ ये शेयर करनी है, ये भी शेयर करनी है। तो चलिए वीडियोस में आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई चपड़ चपड़, मेरे को कॉमेंट में बताते जाना। तो चलिए शेयर करते हैं अपने न्यू टोरिंग के ऊपर, जो कि मैंने वहाँ से ली है। सबसे पहला टोरिंग जो है, अब ये मत कहना कि मैं पुराना दिखा रही हूँ, पुराना इसमें से एक भी नहीं है, किसी ने भी बोला तो देखो, मेरे को लगता है ना दो अलग अलग पैटर्न में आ गए, शायद इसमें एक ब्लैक कलर ज़्यादा इंक्लूड है, एक जैसा बहुत सारा था और इसमें थोड़ा कम है। तो फर्स्ट ये वाला था, आप देख सकते हैं इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो, ब्लैक के साथ मल्टी कलर का है और दोनों अलग अलग दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन मैंने बोली थी उनसे कि दोनों अलग अलग है, इसमें ब्लैक कलर ज़्यादा है, इसमें ब्लैक कलर कम है बस। लेकिन पैरों में डालने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था, मैंने देखा था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये ब्लैक कलर, और ऑलमोस्ट ब्लैक कलर है मेरे पास, बहुत सारे हैं, ब्लैक कलर नहीं मतलब ब्लैक मेटल में बोलना चाहती हूँ। नेक्स्ट जो मैंने लिया है वो थंब के लिए लिया है, क्योंकि जो मैं पुराना लिया था वो मैंने अपने भाई की वाइफ को, पुराना नहीं मतलब वो भी मेरा नया ही था कलेक्शन, मेरे पास कुछ भी पुराना नहीं होता है, जो ज़्यादा वो होता है ना तो उसी को मैं हटा देती हूँ, बाकी तो रखी रहती हूँ। ये थंब के लिए लिया है मैंने, अगेन मुझे चाहिए था थंब के लिए, और ये सारे चांदी के हैं, नकली नहीं है, मैं पहले मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि लोग कमेंट में बोलते रहते हैं ना उल्टा सीधा, तो देख सकते हैं ये मैंने लिया है थंब के लिए, और एक ही पेयर लिया है, और ये मिला है 288 का मेरे को मिला है दो पेयर। नेक्स्ट ये मेरा पुराना है, बाकी सारा मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, ये मैंने रखा हुआ है और ये मुझे बहुत पसंद है, मल्टी कलर का है, इसमें जो कलर है ना और साथ में कुंदन का काम है, ये न्यू मैरिड के लिए ना इस तरीके का टोरिंग बहुत सुंदर लगता है, आप इस तरीके का टोरिंग जरूर लीजिए। नेक्स्ट जो मैंने लिया है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था गाइस, चोटी पैटर्न में है, अगर आपको डेली वेयर में कुछ चाहिए ना तो इस तरीके का टोरिंग ले सकते हैं, जो कि आप सच बता रही हूँ, देख सकते हैं कि इतना प्यारा लग रहा है, इसमें चोटियाँ सी बनी है और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है ये देखिए। बाकी आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और पुराने मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ये आई थिंक 400 का था, कुछ 400 का ये वाला, ये मेरा जब मैंने चैन ली थी तब लिया था। और इसकी सबसे अच्छी बात, जो ये पर्पल कलर का सितारा जो लगा हुआ है ना, ये घूमता रहता है, इसमें लाइट पड़ने पर ना गजब की शाइनिंग आती है, शायद अगर आपको दिखे तो, ये दिखे नज़र आ रहा है तो आप मेरे को बताना, और ये घूमता भी है, इसके नीचे लगा है, ये जो फ्लावर है ना इसके नीचे पर्पल कलर का लगा है, फिर एक लगा हुआ है,
तो इस तरीके से है, आपको अगर मैं दिखाऊँ तो। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट जो मैंने लिया है, अगेन एक स्टोन में लिया है, पर बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। न्यू मैरिड के लिए ना इस तरीके की टोरिंग ना बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, ये देख सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। और सच्ची बताऊँ, भैया बोल रहे थे कि सबका सेट ले लो, लेकिन मुझे सबके सेट नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैंने बस पेयर पेयर ही लिया है, और ज़्यादा नहीं लिया है। इस बार लिया है मैंने एक पेयर, और ये दूसरा पेयर मैंने लिया ये वाला, और ये मैंने लिया तीसरा पेयर, तीन पेयर ये वाला लिया मैंने, और एक मैंने लिया ये अंगूठे वाला, चार पेयर। हाँ, चार पेयर मैंने लिए हैं, और किसी का भी डबल नहीं लिया, मैंने चार पेयर ही लिए हैं। ठीक है, ये हो गया, और ये थंब का हो गया, ये वाला थंब का हो गया ऐसे, और ये वाला, ये चार पेयर। तो ये चार पेयर ही मैंने लिए हैं, बस डेट्स इट, चार पेयर। तो मुझे बताना कि आप लोगों को क्या अच्छा लगा मेरा आज की वीडियोस में, और उम्मीद करूँगी कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आए तो पता ही क्या करना है, लाइक कर दिया करो गाइस, क्या करें। व्यूज़ जो है ना बिल्कुल 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 घट गए हैं, अब दुख लगता है। अब कभी कभी ऐसा मन करता है ना कि अब काम नहीं करना मेरे को, छोड़, मतलब बस बहुत हो गया यार। जब इंसान ना हद से ज़्यादा मेहनत कर लेता है और काफ़ी साल का मेहनत हो जाता है ना, तब पर्सनली बताऊँ बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि नहीं यार, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर इंसान को ना कामयाबी ना मिले तो मैं क्या, कोई भी डिमोटिवेट हो जाता है। तो चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी, आप लोगों को मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। क्या अच्छा लगा मुझे कमेंट में मेंशन जरूर करना। बहुत बड़ी वीडियो आज नहीं बना रही हूँ, छोटी सी वीडियो बना रही हूँ, और कुछ भी अच्छा लगे मेरे आज की वीडियो में तो लाइक करना, और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। और अब आप लोगों को जल्दी निशु के बर्थडे ब्लॉग देखने को मिलेगा, तो कमिंग सून है निशु का बर्थडे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।